हाय फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी में। फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के सेक्शन 122 के अंतर्गत दान क्या होता है, दान कब वैलिड होता है और दान देने के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से होते हैं। दान के बारे में हम अक्सर सुनते रहते हैं कि एक व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी प्रॉपर्टी दान में दे दी या फिर अपनी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा दान में किसी व्यक्ति को दे दिया। तो जानेंगे आज की इस वीडियो में सेक्शन 122 के बारे में, तो शुरू से आखिर तक जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 122 में दान को डिफाइन किया गया है, जिसमें कि कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति अपनी चल या फिर अचल संपत्ति का अंतरण अपनी इच्छा के अनुसार किसी को दे देता है और उसमें उसका कोई फ़ायदा भी नहीं होता, यानी कि कोई प्रतिफल नहीं होता, तो फिर ऐसे ट्रांसफ़र को जिसमें कोई लाभ ना हो दान कहा जाता है। प्रतिफल का मतलब होता है एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का लेना, जिसमें कि एक वस्तु को दान में दे दिया गया हो उसमें कोई प्रतिफल ना लिया गया हो, यानी कि कोई पैसा ना लिया गया हो या फिर उसके बदले कोई और वस्तु ना ली गई हो, तो वो एक वैलिड दान होता है। दान के लिए दो पार्टीज़ का होना बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें कि एक दाता होता है और दूसरा अदाता होता है। दाता वो व्यक्ति होता है जो कि किसी प्रॉपर्टी को किसी को दान में देता है, और अदाता दान लेने वाला व्यक्ति होता है जो कि दान को स्वीकार करता है। दान के लिए ये ज़रूरी होता है कि दान में मिल रही जो भी प्रॉपर्टी होती है, चल या अचल संपत्ति कुछ भी हो सकती है, उसको जो दान कर रहा है उसके जीवन काल के दौरान ही ऐसा होना चाहिए, यानी कि दानकर्ता के जीवन काल में ही दान की गई प्रॉपर्टी को स्वीकार किया जाना चाहिए। चलिए जानते हैं दान देने के लिए आवश्यक तत्व, जिसकी वजह से दान एक वैलिड दान बन जाता है, जिनका होना बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें सबसे पहले है दाता। दाता से मतलब होता है वो व्यक्ति जो कि दान देने के लिए सक्षम होना चाहिए, जो अपनी चल या फिर अचल संपत्ति को ट्रांसफ़र अपनी मर्जी के अनुसार करता है, वो व्यक्ति दाता कहलाता है या फिर दानकर्ता कहलाता है। दूसरा होता है अदाता। अदाता से मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो जिसको कि दान दिया गया है और जिसने दान स्वीकार किया है, वो व्यक्ति अदाता है और दान स्वीकार करता है, या फिर जिसके द्वारा दान का स्वीकार किया जाना है वो व्यक्ति अदाता कहलाता है। तीसरा पॉइंट आता है प्रतिफल का अभाव, यानी कि कोई फ़ायदा नहीं होना चाहिए। एक वैलिड दान का आवश्यक तत्व ये होता है कि दान में प्रतिफल का अभाव होना चाहिए। प्रतिफल का अभाव होने से मतलब ये होता है कि जब चल या फिर अचल संपत्ति दान में दी जाए तो उस दान में कोई प्रतिफल ना हो, यानी कि दान के बदले कोई दूसरी वस्तु की मांग नहीं होनी चाहिए। चौथा पॉइंट आता है इच्छा। दान के लिए ये जरूरी होता है कि वो इच्छा से दिया गया हो, ना कि किसी दबाव में आकर। अगर कोई व्यक्ति अपनी चल या अचल संपत्ति का दान किसी जोर या दबाव में आकर करता है तो वो दान एक इनवैलिड दान हो जाता है। पांचवा पॉइंट आता है किसी वस्तु का होना, यानी कि विषय वस्तु। दान के लिए ये जरूरी होता है कि उसमें कोई विषय वस्तु हो, यानी कि कोई चल या अचल संपत्ति हो सकती है जो कि एक निश्चित होती है, और उस संपत्ति का अस्तित्व में होना भी बहुत ज़रूरी है। दान में दी जाने वाली संपत्ति का वर्तमान में अस्तित्व होना बहुत ज़रूरी है। कहने का मतलब ये है कि फ्यूचर में होने वाली संपत्ति को दान नहीं किया जा सकता। दान देने के लिए उस प्रॉपर्टी का होना बहुत ज़रूरी है। छठा पॉइंट आता है ट्रांसफ़र। दान में ट्रांसफ़र एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दानकर्ता जब भी अपनी कोई चल या फिर अचल संपत्ति को दान करता है तो दान की जाने वाली संपत्ति दान लेने वाले के नाम पूरी तरह से ट्रांसफ़र होने चाहिए। उसके सारे अधिकार अदाता के नाम हो जाने चाहिए। सातवां और आखिरी पॉइंट आता है एक्सेप्टेंस, यानी कि स्वीकृति। दानकर्ता द्वारा दान में दी गई संपत्ति की स्वीकृति दान लेने वाले व्यक्ति द्वारा की जानी बहुत ज़रूरी है। अगर दानकर्ता ऐसा दान किसी बालक को करता है, यानी कि बच्चे को करता है जो कि दान लेने में अभी सक्षम नहीं है, तो ऐसे दान की स्वीकृति उस बालक के जो संरक्षक होते हैं, माता पिता या जो भी अभिभावक हों, उनके द्वारा किया जाना चाहिए। दान की स्वीकृति दानकर्ता के जीवन काल के समय में ही लेनी चाहिए, जब दानकर्ता दान देने में सक्षम होता है।
क्योंकि अगर दानकर्ता अपनी प्रॉपर्टी को दान करता है और दान लेने वाला व्यक्ति दान के प्रति अपनी इच्छा जाहिर करने से पहले ही मर जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे दानकर्ता के द्वारा दिया गया दान शून्य हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 122 में दान के ऊपर। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।